Hi friends, welcome back. तो आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे को मेरा ब्लॉग हिंदी में होता है. तो आज राय का छुट्टी है. नहीं, गुड फ्राइडे के लिए छुट्टी नहीं है. बहुत ही एक वियर्ड बात है कि यूएस में गुड फ्राइडे के लिए कोई भी हॉलीडेज नहीं होता है. जनरली इंडिया में और शायद यूरोप में हॉलीडेज होते हैं. मुझे यूरोप के बारे में ठीक इतना पता नहीं है, पर इंडिया में तो हम लोग को हर वक्त गुड फ्राइडे पे छुट्टियां होती थी. पर राय का ऐसा यहाँ पे कुछ भी छुट्टी नहीं होता है. माय हबी आल्सो ही लेफ्ट फॉर हिज वर्क. पर राय का आज से स्प्रिंग ब्रेक स्टार्ट हुआ है. पर दे ओनली हैव मंडे ट्यूजडे तक ही स्कूल बंद है. वेडनेसडे तक फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएगा. जनरली स्प्रिंग ब्रेक के लिए पूरा 1 वीक स्कूल बंद रहता है, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारी स्कूल बहुत सारा लॉस हो गया था क्योंकि इतना सारा स्नो हुआ. फिर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था. तो अभी आज हम लोगों का बहुत ज्यादा प्लान है क्योंकि राय की छुट्टियां है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. तो अभी तो वो वायलिन प्रैक्टिस कर रही है क्योंकि अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं इट्स वेरी एसेंशियल कि आप रियाज करें यानी प्रैक्टिस करें. तो अभी वो कर रही है. और मेरा किचन का हालत बहुत खराब है. मुझे बहुत सारे बर्तन डिशवॉशर पे देने हैं और कुछ बर्तन मुझे हैंड से ही वॉश करना है. तो अभी राय को वायलिन प्रैक्टिस करने देते हैं और मैं ये सब वॉश करती हूँ और मैं आप सबसे बाद में मिलती हूँ. तो मेरा अभी बर्तन का तो काम हो गया है. एंड यू कैन गिव ऑल द डिश इन डिशवॉशर. तो बाकी जो रहता है आई जनरली वॉश देम. नहीं तो ऐसा ही फिर सिंक मुझे अच्छा नहीं लगता है ज्यादा यूटेंसिल्स रहने से. तो अभी मेरा किचन का काम हो गया है और आज मैं और राय सोच रहे हैं हम लोग मम्मी डॉटर डेट पे चले हैं. तो हम लोग अभी मुझे नहाना है राय भी नहाएगी एंड देन फिर हम लोग बाहर जाएंगे थोड़ा मस्ती करने को. वो बहुत दिन से बोल रही थी क्योंकि ये लास्ट स्प्रिंग ब्रेक इज लास्ट. उसके बाद दे विल हैव देयर समर ब्रेक जो कि जून जुलाई से स्टार्ट होगा. सो वी आर रेडी टू गो नाउ एंड घर में सभी मशीन चल रहे हैं मेरे. ड्रायर चल रहा है, फिर वॉशिंग मशीन चल रहा है. तो अभी मुझे डिश वॉशर भी चलाना है. तो सभी मशीन चलाने के बाद जाना है ताकि जब मैं आऊ एटलीस्ट सारे काम हो जाए. और मैंने घर ऑलरेडी मैंने पोछ लिया है आज क्योंकि थोड़ा टाइम था और बहुत लेट हो गया क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है. तो पता नहीं थोड़ा मॉल में थोड़ा कार पार्किंग का प्रॉब्लम रहता है और वो मेरा बहुत बड़ा वीकनेस है. और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और आज अच्छा बात है कि राय सिम्स मुझे कुछ खरीद के देती. तो वही अभी देखते हैं वो मुझे क्या खरीद के देती. सो ईस्टर है इस वीक में तो सब लोग ईस्टर बनी के साथ छोटे बच्चे लोग फोटो ले रहे हैं और बहुत लंबा लाइन है. और मैं फिर थोड़ा सिफोरा में भी गई. राय मुझे कुछ खरीद के देने वाली है. और आज हम लोग मम्मी डॉटर डे है. तो मैंने हम लोगों ने बहुत ही कम लिया. सिर्फ थोड़ा नूडल्स और वांटन बस हो गया हम लोगों का. और मैंने मेरे हबी के लिए कुछ पैक कर लिया. ये नूडल्स उनको बहुत पसंद है तो एक मैंने पैक कर लिया उनके लिए.
फिर राय को शू भी खरीदना था क्योंकि समर में फिर अलग से शू चेंज हो जाता है और पुराना समर का शू तो छोटा हो गया और थोड़ा शॉपिंग। तो हम लोग का काम खत्म हो चुका है और आज राय का ही दिन था, लाइक सभी सामान राय के लिए ही खरीदा। राय ने भी आज मुझे कुछ गिफ्ट किया, राइट मामा? या तो अभी हम लोग वहाँ से तो हम लोग निकल चुके हैं, तो अभी हम लोग लाइक एक शॉप है 5 Below, सो मुझे वहाँ से कुछ ऐसे बॉक्सेस लेने हैं ऑर्गेनाइजिंग के लिए, तो वहीं पे ही जा रहे हैं, उसके बाद डायरेक्टली घर चले जाएंगे। और हम लोग का घूमना फिरना खत्म, बहुत ही अच्छा था आज का दिन, पर थोड़ा बारिश हो रहा है और घर पहुंच गए हम लोग। और हम लोग थोड़ा देर पहले ही लौट के आए, तो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा आने के बाद थोड़ा टायर्ड लग रहा है मुझे, पर आने के बाद पता नहीं लाइक आप लोग कितना जन लोग करते हैं, द फर्स्ट थिंग आई डू इज कि मैं अपना ड्रेस चेंज करके आती हूँ, लाइक मुझे अजीब लगता है, और जो भी मैंने लिपस्टिक उपस्टिक लगाया था सब मुझे रिमूव करना है। तो फिर मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा है लाइक किचन के लिए, तो लाइक मुझे एक स्ट्रेनर चाहिए था और ये लाइक छोटा वाला चाहिए था और ये बहुत ही परफेक्ट था स्टेनलेस स्टील का, तो मैंने ये लिया है। और क्या, हाँ, और मुझे ऐसा ही एक पेपर और सॉल्ट शेकर चाहिए था, और ये इसमें बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा था तो मैंने ये लिया। ये अराउंड $19 का था और डिस्काउंट दे के लाइक आई थिंक सो इट वॉज अराउंड $10 भी नहीं था, इससे कम था शायद, लाइक हाँ इट वॉज नॉट $10 ऑल्सो, आई थिंक सो $9 में वो लोग दे रहे थे, तो ये देखने में अच्छा लग रहा है। और मेरे पास है भी नहीं लाइक मुझे ये लाइक सॉल्ट शेकर्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते, मुझे वो जिसमें स्पून रहता है जैसे इंडिया में मिलता है मुझे वो बहुत पसंद है। तो इस बार भी मैं जब इंडिया में गई थी मैंने बहुत खोजा पर मुझे नहीं मिला, हो सकता है लाइक मैंने इतना जगह भी नहीं खोजा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं मॉल पे जाऊँ, और इंडिया जाते हैं तो हम लोग कभी भी मॉल पे नहीं जाते क्योंकि बहुत ज्यादा रश होता है और बैंगलोर में जाने आने में इतना टाइम चला जाता है तो हम लोग लाइक कभी भी नहीं जाते। लगता है जितना टाइम फैमिली के साथ रहे वही अच्छा है, लाइक किसी से भी हम लोग नहीं मिलते, लाइक जस्ट लगता है नहीं फैमिली घर पे ही रहेंगे और बात करेंगे। तो एनी हाउ ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने बोला चलो ले ही लेते हैं और क्या लिया। हाँ, और तो राय ने लाइक मैंने राय के लिए कपड़ा लिया क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्पेशली विद द वेदर, राइट हम लोग का 4 seasons रहता है और बच्चे लोग तो बड़े होते हैं तो कपड़े तो छोटे हो जाते हैं, जैसे कि अभी स्प्रिंग आ रहा है तो स्प्रिंग के लिए थोड़ा अलग टाइप का कपड़ा, फिर समर आएगा समर के लिए थोड़ा अलग टाइप का कपड़ा, है ट्राई करो जो वो शिवंस उसका अपना ड्रेस ट्राई करना है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो इसके लिए लाइक ज्यादा कपड़ा खरीदना पड़ता है और स्पेशली स्कूल का तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि स्कूल में कोई यूनिफॉर्म नहीं है। तो एनी हाउ फिर मैंने स्मैच बॉक्स का एक बहुत अच्छा, ये मुझे राय ने खरीद के दिया है लाइक उसके पॉकेट मनी से, तो शी वॉज लाइक मम्मी आई विल बाय फॉर यू समथिंग, मैंने बोला अरे बहुत अच्छा खरीद के दो कि मैं तो जरूर लूंगी, तो उसने बोला मम्मी प्लीज मैं सिर्फ $25 दूंगी। तो ये स्मैच बॉक्स का ये बहुत ही अच्छा कलर है, ये मैंने थोड़ा हाथ पे लगाया था अभी, पता नहीं आप लोग देख सकते हो या नहीं, ये मेटेलिक रेड में है लाइक मैट लिपस्टिक है, पर लाइक स्मैश बॉक्स का लिपस्टिक बहुत अच्छा है, लाइक सुबह में मैंने मैक का लिपस्टिक लगाया था वो भी मैट था, पर मुझे मैक का लिपस्टिक बिल्कुल भी पसंद नहीं, पता नहीं लाइक बहुत ड्राई हो जाता है लिप्स, बट ये बहुत अच्छा है स्मैश बॉक्स का, स्पेशली इसका एप्लीकेटर इतना अच्छा है लाइक बहुत प्रिसाइसली आप जब लिपस्टिक देंगे तब बहुत प्रिसाइसली दे सकते हैं, तो मुझे बहुत लाइक मुझे ये लेना था एक्चुअली, मेरी एक यूट्यूब की फ्रेंड है सो यस्टरडे वो बोल रही थी इस लिपस्टिक के बारे में, या इट्स लुकिंग गुड, या इट्स लुकिंग वेरी गुड, राय अपना ड्रेस दिखा रही है मुझे पहन पहन के, बच्चे लोगों को पता है ना लाइक स्पेशली विद गर्ल्स कुछ भी ड्रेस खरीदो तो वो लोग को लाइक दिखाना ही है पहन के, तो वही मैंने ये मुझे राय ने दिया और मैंने सोचा चलो मैं जब राय दे रही है मैं कुछ अपने लिए ले लूं, तो मैंने सिर्फ एक सिफोरा का फेस मास्क लिया जो मैं कभी कभी यूज करती हूँ लाइक जो हाइड्रेट करता है स्किन को, और क्या, और बाकी कुछ भी नहीं। सो आज मैं बहुत दिनों के बाद मेरा लाइक ये सॉक्स अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, लाइक ये होता ही नहीं था, हम लोग लाइक बड़े बड़े सामान को ऑर्गेनाइज कर लेते और छोटा सामान हर वक्त रह जाता है।
और ये स्टूल बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज स्पेस है। और राय मुझे किचन के काम में थोड़ा हेल्प कर रही है। इट्स गुड इफ द किड्स आर एट होम, दे शुड नो हाउ टू डू देयर वर्क। इट्स नॉट फॉर गर्ल्स, सभी को, लड़का हो लड़की को, सबको ही काम सीखना चाहिए। तो वही अभी फिर से मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। लाइक बहुत सारा ऐसा होता है ना, सामान रहता है फिर हम लोग कभी यूज ही नहीं करते, वही मैं देख रही हूँ। और एक्सपायरी डेट देखना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Wow, you cleaned it really nicely. बहुत ही अच्छे से साफ किया उसने। Great job, I'm proud of you. Hi friends, welcome back. तो आज Saturday हो चुका है। I'm very sorry, कल मैंने व्लॉग लाइक आई वॉज नॉट एबल टू एंड इट क्योंकि उसके बाद हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे। फिर मेरे हबी आ गए, फिर हम लोग बात करने लग गए और मुझे याद ही नहीं रहा। और फिर हम लोगों ने डिनर में कुछ भी नहीं खाया, मैं और राय टोटली फुल थे। तो एनी हाउ छोड़िए, तो आज सैटरडे है और आज हनुमान जयंती है। जैसे बंगाली में बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते पता नहीं मुझे, पर हम लोग हनुमान जयंती करते हैं क्योंकि हम लोग लाइक हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। और इसलिए एवरी ट्यूजडे आप मेरा व्लॉग देखेंगे तो लाइक एवरी ट्यूजडे का व्लॉग हम लोग वेज खाते हैं एवरी ट्यूजडे क्योंकि हम लोग हनुमान जी को मानते हैं। तो डेफिनेटली हनुमान जयंती तो मस्ट है हम लोग के लिए। तो हम लोग सुबह उठ के हम लोगों ने नहा वहा के सब लाइक पूजा वूजा दे दिया और ये पूजा मेरे हबी देते हैं और मुझे नहीं लगा कि मुझे लाइक आई नीड टू शो। तो मैं लाइक बहुत सारा लाइक मेनी पार्ट्स ऑफ माय लाइफ मैं ऐसा शेयर नहीं करती हूँ। सो एनी हाउ फिर पूजा खत्म हो गया है तो अभी हम लोग मैं सोच रही हूँ कि जब हनुमान जयंती है कुछ स्पेशल तो बनाना ही चाहिए, स्पेशली पूजा का दिन है। और अभी राय और मेरे हबी लाइक राय का आज दो एक्टिविटीज है तो वही मेरे हबी आज लेके गए हैं। और मैं अभी लाइक लंच में कुछ स्पेशल बनाने की सोच रही हूँ तो मैं एक पूरी बनाऊंगी पर ये थोड़ा अलग टाइप का पूरी होगा। ये मैं उड़द दाल से बनाऊंगी लाइक तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। और मैं भी एक्चुअली शायद ये पूरी सेकेंड टाइम ही बना रही हूँ तो पता नहीं, फर्स्ट टाइम तो ठीक ही बना था। चलो देखते हैं कैसा बनता है आज। तो अभी मैं पूरी बनाऊंगी और एक आलू की सब्जी बनाऊंगी लाइक जिसमें जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो हम लोग लाइक प्योर वेज में हम लोग कभी भी गार्लिक नहीं तो अनियंस नहीं देते। मुझे लगता है हम लोग सभी ऐसे करते हैं, हम लोग कोई भी गार्लिक नहीं तो अनियन नहीं देते। और आई एम वेरी सॉरी, जब मैंने एक लंच दिखाया था तब मैंने शायद इंस्टेड ऑफ सेइंग जिंजर आई टोल्ड गार्लिक। क्या कर आदत होता है ना, अभी सब कुछ में हम लोग लाइक गार्लिक देते ही है तो मैंने वो बोल दिया था। पर एनी हाउ आज हमें कोई भी प्याज नहीं तो लहसुन यूज नहीं करूंगी तो वही मैं बहुत ही सिंपल एक आलू की सब्जी बनाऊंगी ये पूरी के साथ। सो ये पूरी नहीं तो कचौड़ी भी बोल सकते है बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और फिर थोड़ा मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सॉल्ट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर मैं इसमें 1/4 कप सूजी ऐड कर रही हूँ। फिर मैं इसमें 1/2 कप उड़द दाल पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो ये प्रोपोर्शन परफेक्ट है लाइक जिस तरह से मैंने मैदा लिया है उसके हिसाब से 1/2 कप उड़द दाल पेस्ट परफेक्ट है। और फिर हम लोगों को इसको मिक्स करना है लाइक डो हम लोगों को इसी पेस्ट से बनाना है। और बीच में मैंने अराउंड 2 टेबलस्पून मैंने कर्ड ऐड किया है और थोड़ा ऑयल ऐड किया है। तो ये मेरा डो बन चुका है और अभी मैं इसको कवर करके रख दूंगी और ये बहुत ही अच्छा बनता है। सो अभी मैं जब बोलोग आएंगे देन आई विल फ्राई इट। और नहीं तो इन जनरल आप लाइक आफ्टर मेकिंग द डो
यू कैन कीप इट ओनली फॉर हाफ एन आवर और उसके बाद आप लाइक बना सकते हैं, पर ये लाइक व्हेन यू मिक्स इट तब थोड़ा हार्ड लगता है। तब मैंने इसमें थोड़ा दही ऐड किया है, सॉरी मैं दिखाना भूल गई, अराउंड लाइक 1 टेबल स्पून नहीं तो 2 टेबल स्पून, लाइक जब थोड़ा हार्ड लगता है थोड़ा दही ऐड कर दीजिए और थोड़ा ऑयल ऐड कर दीजिए, तो इस तरह से अच्छे से हो जाएगा। मैंने जो अमाउंट दिखाया है अगर आप वो यूज करेंगे तो लाइक परफेक्ट होगा और ज्यादा नहीं लगेगा। और क्या, हाँ, और अभी मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी, बहुत ही सिंपल, लाइक जैसे आलू की सब्जी होते हैं उसके साथ। और फिर मैं सोच रही थी मैं सूजी का हलवा बनाऊं, पर मेरे घर में कोई भी हलवा नहीं खाता है, लाइक पता नहीं, जब भी कोई फेस्टिवल आता है कुछ मीठा तो होना ही चाहिए, जैसे कि एक्चुअली हनुमान जयंती पर लड्डू तो मेन है, तो फिर अभी मुझे लड्डू बनाना तो आता नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं सूजी का हलवा बनाऊं, देखते हैं अगर कोई खाएगा तो अच्छा लगेगा, तो मैं पता नहीं क्या करूंगी, बनाऊंगी कि नहीं सोच रही हूँ। और आज मैंने कुछ भी लाइक कल तो मेरा हुआ ही नहीं कुछ उसका डाइट फॉलो करना, क्योंकि हम लोग बाहर गए थे और याद ही नहीं रहता है। फिर आज तो फेस्टिवल है, मैंने पहले से सोच लिया था कि आज तो नहीं होगा, तो फिर मैं मंडे से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि कोई जब घर पे नहीं रहता है तब बहुत इजी होता है, अगर मैं घर पे रहती हूँ तो भी इजी है, पर कल तो बाहर गए थे और आज डेफिनेटली फेस्टिवल है, तो आज मैं इतना कुछ फॉलो वॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं लाइक क्या करे अभी कुछ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी, हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, हम लोगों ने पूजा दिया, फिर 11 o'clock आके हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, तो इसलिए आज नहीं हुआ, तो मैं मंडे से फिर स्टार्ट करूंगी। तो अभी मैं ये आलू की सब्जी बना लेती हूँ, बहुत ही इजी आलू की सब्जी है, और मैं एक बहुत ही सिंपल आलू की सब्जी बना रही हूँ। सो इसमें लाइक नॉर्मल मसाला जो हम लोग देते हैं वही मैंने दिया है, लाइक जीरा, फिर रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और मैंने थोड़ा टमेटो ऐड किया है, और मैं थोड़ा पीस दे रही हूँ क्योंकि राय को पीस बहुत पसंद है। और मेरा आलू की सब्जी रेडी है। सो अभी मैं पूरी को अच्छी तरह से लाइक रोल कर लूंगी, और थोड़ा ऑयल से रोल कीजिएगा, नहीं तो ऐसा हार्ड होता है रोल करना, तो ऑयल से थोड़ा इजी हो जाता है, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, लाइक बहुत ही डिफरेंट लगता है, और राय का एक्टिविटी ऑलमोस्ट लाइक ओवर हो जाएगा, तो बहुत ही नज़दीक है, अराउंड 10 मिनट्स में वो लोग आ जाएंगे, और राय को लाइक बहुत ही भूख लग जाता है। और ये में हम लोग का लंच रेडी है, और वो लोग भी अभी आ जाएंगे, तो अभी मैं सबको सर्व कर रही हूँ, और मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, सिर्फ 2 मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे पूरी या कुछ भी कचौरी टाइप को ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस अभी मैं ये वीडियो एंड करती हूँ, और वो पूरी बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन पूरी नहीं कचौरी टाइप ही है, राय को बहुत ही पसंद आया, तो अभी हम लोग बहुत अच्छा, अभी वेदर है लाइक इट्स परफेक्ट स्प्रिंग, तो हम लोग सोच रहे हैं बाहर जाएंगे, लाइक राय टेनिस खेलेगी, उसके बाद हम लोग थोड़ा ट्रेल पे जाएंगे वॉक के। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। बाय एवरीवन।